हाई डियर चिल्ड्रन वेलकम अगेन टू द न्यू सेब् ओपन पेज से इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन पार्ट वचन इन दिससन सिक्सटीन अनेक शब्दों के लिए, शब्द, okay? we'll लिए एक शब्द और ये आपका सेकेंड टर्म का लास्ट ग्रामर का लेसन है और बुक के हमने पहले से खत्म कर लिया है तो इसका मतलब आपका सिलेबस यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो से बेटा आपकी रिविजन स्टार्ट होगी ठीक है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर में पूरी अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि आपका बेटा अभी फेबररी में एग्जाम्स हैं ओके चलो नाव वील स्टार्ट लेसन सिक्सटीन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चलो पहले हम इसको समझेंगे फिर करेंगे ये देखिए बेटा ये आदमी है जो ये एक कौन है ये ये एक आदमी है जो चित्र बना रहा है तो जो चित्र बनाता है चित्र बनाए एक शब्द वाक्य हो गया बेटा मतलब एक खूब सारे शब्द हो गए हमने इसके लिए एक शब्द लिखना है तो क्या जो चित्र बनाता है उसको क्या कहते हैं चित्रकार ठीक है जो गाना गाता हो अब कितना लंबा है बेटा इसके लिए एक शब्द लिखना है हमने गायक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला उसको क्या कहते हैं कुहार तो अब देखिए बच्चों आपने देखा और पढ़ा कि ऊपर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है कम शब्दों में बात कहना भी एक कला होती है बेटा देखो कम शब्दों में कोई बात कहना एक बहुत ही कला होती है इससे बात आसानी से समझ आ जाती है इससे बात जो है आसानी से समझ आ जाती है भाषा को सरल व प्रभावशाली भाषा को ईजी एंड इम्प्रेसिव ठीक है सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है ठीक है बेटा लर्न कर लेना इसको आप अब नेक्स्ट पेज पे आइए आप यहाँ पर आओ अब कुछ ऐसे ही शब्दों को पढ़ें बेटा मेरे को जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपका ये यहाँ से लेके कर वन से लेके टेन तक आया था ठीक है ये हमने ऑलरेडी कर रखा है अब एग्जाम में इस बार वैसे आप ऊपर को भी देख लेना ये भी आ सकता है बट अब अब जो है सेकेंड टर्म में आपका इलेवन से लेके ट्वेंटी तक आएगा ट्वेंटी टू तक ठीक है ऊपर की भी आपने एक बार रिवाइज कर लेना और नीचे के हमने करते हैं अभी हम महीने में एक बार होने वाला मासिक वर्ष साल ईयर में एक बार होने वाला वार्षिक जो कभी ना मरे अमर जो आलस करता हो आलसी पुस्तकें रखी जाती हैं पुस्तकालय पढ़ने जाते हैं पाठशाला या विद्यालय जो आपको इजी लगे उसमें से आप एक याद कर लेना अपने देश की वस्तु जो हमारे देश की है स्वदेशी दूसरे देश की वस्तु विदेशी जो परिश्रम करता हो मेहनत करता हो परिश्रमी और अगर मेहनत आएगा यहाँ पर तो उसको लिखेंगे मेहनती जिसके मां-बाप माता-पिता ना हो अनाथ जो कपड़े धोने का काम करे बेटा उसे धोबी कहते हैं जो जो खेती करता हो किसान ठीक है समझ में आ गया आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये या आपने याद कर लेना और ऊपर के भी रिवाइज कर लेना ठीक है एग्जाम में वहां से भी आ सकता है अब नेक्स्ट देखिए इसकी एक्सरसाइज आओ अभ्यास करें इसके लिए खोलिए पेज 73 निकिता के माता पिता नहीं है ये देखो बेटा सही जो शब्द चुनकर हमने यहाँ लिखे है दो दो हमने यहाँ पर ढूंढ के आंसर लिखना है ठीक है है निकिता के माता पिता नहीं है वह डैश है अनाथ और स्नाथ में से अनाथ आएगा ठीक है शर्मा जी डैश है जब लोग वह लोगों का इलाज करते हैं चिकित्सक चिकित्सा ये तो बीमारी होगी और चिकित्सक जो इलाज करता है उसको चिकित्सक कहते हैं तो यह चिकित्सक आएगा हमें आलस नहीं करना चाहिए डैश लोगों को कोई पसंद नहीं करता किनको आलस भरे और आलसी आलसी आज हमारे विद्यालय का डैश समारोह है वह साल में एक बार होता है साल में एक बार में के लिए हमने पीछे पढ़ा ना क्या बोलते हैं वार्षिक तो यहाँ वार्षिक लिखेंगे ठीक है अनाथ चिकित्सित आलसी वार्षिक ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट है बड़े इसमें हमने मैचअप करने हैं एक शब्दों को अनेक शब्दों को उनके उचित एक शब्द से मिलाइए जो किसी से ऑलरेडी निडर अपने देश की वस्तु स्वदेशी लोहे की चीजें बनाने वाला लोहार। खेती करने वाला किसान महीने में एक बार होने वाला मासिक नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा सेवेंटी फोर पेज थर्ड क्वेश्चन उचित शब्द छाट कर मछलियों में लिखिए ठीक है यहाँ से ऊपर से चुनने हैं हमने विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी जो फल सब्जी खाता हो शाकाहारी जो कभी न मरे अमर जो परिश्रम करता हो परिश्रमी जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं पुस्तकालय ठीक है पुस्त ये पेज देखिए बेटा यहीं पर ये यह हमारा सेशन जो है खत्म होता है तो आपका सिलेबस भी सेकेंड टर्म का यहीं पर ख़त्म होता है मैंने आपको पहले बताया है, आपके फेबररी में एग्जाम्स हैं उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और हिंदी में ऐसा तो है नहीं है बेटा लर्न आपको याद करने से आप रीडिंग करोगे तो हो जाएगा इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है मात्राएँ होती हैं और बहुत सिलेबस होता है तो रेगुलर अपना काम कीजिए और साथ साथ में लर्न कीजिए ठीक है और पढ़ाई में पूरा ध्यान दीजिए ठीक है तो अभी यहाँ पर ये सेशन ख़त्म करती हूँ टिल देन टेक केयर बाय